हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पिरामिड के मिस्ट्री के बारे में। पिरामिड दुनिया की उन मिस्ट्री में से है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी यह डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। करीब 4,500 से 5,000 साल पुराने यह पिरामिड आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देती हैं कि आखिर यह बनी कैसे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को लेकर सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि आखिर चौंकाने वाली यह संरचना लोगों ने बनाई कैसे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, इसे जस्ट कंस्ट्रक्शन कर दिया गया होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जान लेना चाहिए ये सिंपल नहीं है। पिरामिड को बनाने के लिए करीब 23 लाख ब्लॉक्स को यूज किया गया है। एक एक ईंटों का वजन करीब 2,700 किलोग्राम है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के हिसाब से पिरामिड को बनाने के लिए करीब 20 साल लगे थे। इस पिरामिड के पीछे 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। अगर आप सही कैलकुलेशन लगाएं, इसका मतलब हर 5 मिनट में एक ब्लॉक को वहां रखेंगे तब जाकर वो पिरामिड बनेंगे। हर 5 मिनट में 2,700 किलोग्राम के बड़े बड़े वृक्ष उठाना उस समय बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उस समय पर असल क्वेश्चन यह है कि पिरामिड्स कैसे बने। उस टाइम लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि 5 मिनट में ब्लॉक्स को इधर से उधर कर सकें, और मात्र 20 साल में ऐसे हैरत अंगेज स्ट्रक्चर को खड़ा करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। अगर हम मॉडर्न जमाने में हेलीकॉप्टर, क्रेन्स, ट्रैक्टर से एक पिरामिड बनाने गए तो हमें कई सालों का वक्त लग जाएगा। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन खर्चे की बात करें तो करीब $5 मिलियन है, मतलब कि करीब 30,000 करोड़ रुपए। इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर वो लोग कर कैसे सकते हैं? और तो और, रिसेंट रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया है कि पिरामिड्स में कहीं हिडन चैम्बर भी है। और कुछ का मानना है कि उस समय के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान एलियंस ने दिया था। लोगों का मानना है कि एलियंस ओरियन बेल्ट से धरती पर आए थे और वो पिरामिड बनाकर वापस चले गए थे। दोस्तों, तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओरियन बेल्ट है क्या। ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन है जो विंटर सीजन में आसमान में दिखता है। अगर आप पिरामिड्स के अलाइनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यह ओरियन कॉन्स्टिलेशन के 3 तारों से मिलती है। यह एक बड़ा एविडेंस है जिसके चलते लोग मानते हैं कि ओरियन और पिरामिड्स का कोई कनेक्शन है। और एक अजीब बात यह है कि पिरामिड गीजा में ही मौजूद नहीं है, यह दुनिया के अन्य जगहों पर भी मौजूद है। इटली, चाइना, साउथ अमेरिका पर भी यह पिरामिड एग्जिस्ट करते हैं। और लगभग सारे पिरामिड्स का शेप एक ही है, यह एकदम एक दूसरे की कॉपी लगते हैं। ऐसा मानो उस जमाने में लोग आपस में कॉन्टेक्ट्स कर आइडियाज शेयर करते हों, पर उस जमाने में सिविलाइजेशन के पास आपस में कॉन्टेक्ट्स बिल्कुल नहीं था। तो हर जगह सिमिलर पिरामिड्स कैसे बन सकते हैं? विचारकों का मानना है कि यह एक सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में नॉलेज शेयर कर रहा था, और वो थे एलियंस। अब क्या सच है और क्या झूठ, या तो कोई नहीं जानता। अभी तक इनकी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, पर हम लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।